साहित्यिक ग्रुप काव्यांजलि एक अनूठा आरंभ, विश्व मंच का प्रथम वार्षिक समारोह, ब्रज का आयोजन। डीग राजस्थान के सबसे पुराने प्रेम भारतीय विद्यापीठ सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आयोजित हुआ प्रातः 11 बजे से प्रथम सत्र में कवि साहित्यकार सम्मान समारोह, हरिद्वार के सुप्रसिद्ध गीतकार ऋषि रमेश रवन की अध्यक्षता एवं पंचायत समिति डीग की प्रधान शिखा प्रदीप के मुख्य आतिथ्य की उपस्थिति में संपन्न हुआ। दोपहर बाद 2 बजे से एक शानदार भव्य कवि सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें देश के सुप्रसिद्ध कवियों ने भाग लिया, जिसमें श्रोताओं ने रात्रि 9 बजे तक कविता सुनी। देश के करीब 50 कवियों ने अपनी कविता पढ़ी। आज हमारी जलमहलों की नगरी डीग में एक काव्य महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। काव्यांजलि एक अनूठा आरंभ विश्व मंच कानपुर से संचालित एक साहित्यिक संस्था है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, जिसके 40 से भी अधिक कवि आज काव्य पाठ करेंगे। दो बजे और 11 बजे उन सारे सम्मानीय अतिथियों का, साहित्यकारों का सम्मान करेंगे। आप सब की सहयोग इसमें मिल रहा है, हमारे विद्यालय के पूरे स्टाफ का सहयोग मिल रहा है। आप सब पधारें ठीक 2 बजे बहुत भव्य कवि सम्मेलन में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। प्रेम भारती स्कूल पहले से ही करता आया है और भामाशाह भी पैदा किए हैं। हाँ, उसके बारे में बताएं। हमारे बहुत पुराना विद्यालय है, 1978 को स्थापित हुआ है, लगभग 45 साल पुराना स्कूल है, जिसमें काफ़ी गजेटेड ऑफिसर, डॉक्टर, SDM बहुत अच्छे अच्छे प्रतिभाएं निकली हैं, और सांस्कृतिक और साहित्यिक क्षेत्र में हमारे इस स्कूल की अलग पहचान है पूरे उत्तर भारत में। राष्ट्रीय स्तर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक गए हैं। हाँ, TV और रेडियो पर कई बार कार्यक्रम इनके हुए हैं। ऐसी स्थिति में आज हम एक और भव्य आयोजन कर रहे हैं, काव्यांजलि एक अनूठा आरंभ विश्व मंच के बैनर तले, जिसमें देश दुनिया के, बम्बई तक के, हरिद्वार तक के बड़े बड़े कवि आ रहे हैं। उन सब की हम बहुत एहसानमंद हैं जो हमारे एक बुलावे से आए हैं। आप सभी दीपवासियों से निवेदन है कि आप भी आएं और यहाँ भव्य कवि सम्मेलन का आनंद लें। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल चिकित्सा के क्षेत्र में मथुरा का अग्रणी हॉस्पिटल एवं पहला टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर है। IVF में 70% सफलता, स्त्री रोग विभाग में हाई रिस्क डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन, हिस्टेक्टोमी आदि बेहद अनुभवी एवं क्वालिफाइड लेडी डॉक्टरों द्वारा किए जाते हैं। हड्डी रोग विभाग की एडवांस यूनिट, जहां पर जोड़ प्रत्यारोपण यानी कि घुटना रिप्लेसमेंट, कूल्हा रिप्लेसमेंट, रीढ़ की हड्डी के ऑपरेशन एवं फ्रैक्चर होने पर प्लास्टर, सरिया या प्लेटिंग आदि की सर्जरी की जाती है। हर प्रकार की जनरल सर्जरी एवं दूरबीन विधि से हर प्रकार के लैप्रोस्कोपिक ऑपरेशन, बच्चों के हर प्रकार के रोगों का इलाज हॉस्पिटल NABH से मान्यता प्राप्त है। मॉड्यूलर OT एवं हाईटेक मशीनों से फिजियोथेरेपी, एम्स दिल्ली एवं CMC बेल्लोर द्वारा सर्टिफाइड पैथोलॉजी। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड, ESI कार्ड, BSNL के कार्ड, रेलवे के कर्मचारियों के कैशलेस इलाज की सुविधा, लगभग सभी इंश्योरेंस कंपनियां एवं TPI कार्ड धारकों को कैशलेस इलाज की सुविधा।